हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। वाराणसी में 4 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा एसटीएम में यहां पे सशक्तिकरण दिव्यांग लगा क्रिकेट का आयोजन हुआ। 4 अक्टूबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कि कितनी टीमें खेल रही है और ये खेल कब तक चलेगा, कितने इनाम यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, आज यहाँ पे किस तरह का आप लोगों को खेलने का मौका मिला है, क्या है मौका? हमको बहुत खूबसूरत मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हम लोगों को खेलने का अवसर मिला है, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। बहुत ही खूबसूरत पहल लग रहा है, जो कि हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जो हम लोग सोच से परे की बात थी, कल्पना भी नहीं सोचा जा सकता कि इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो सकता है। जितने भी खिलाड़ी सब भैया प्लेयर सब दिव्यांग। अच्छा, अलग अलग जिले से आए हैं लोग? अलग अलग ये जिले नहीं, अलग अलग प्रदेश से, यानी भारत के सभी प्रदेश के प्लेयर यहाँ पे। आज आप यहाँ पे किस तरह क्रिकेट खेलने आए? ये टीम जो कि अच्छा गेम चल रहा है देखने आए थे। अच्छा, खेलने नहीं आए? नहीं, खेलते हैं, खेलते भी हैं, तो सिलेक्शन नहीं था, तो इसलिए जो कि देखने आ गया। आज यहाँ पे किस तरह का क्रिकेट का जो लॉन्च हुआ है, कितने देशों से लोग आए हैं, कितने दिव्यांग क्रिकेटरों का ये टूर्नामेंट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग सबलीकरण के अंदर का वो उत्तर प्रदेश का एक विभाग है वो ये मैचेस करवा रहा है। इसमें 5 जोन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया की तरफ से 80 प्लेयर्स हैं 5 जोन से। इसमें ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन, ये 5 जोन्स के प्लेयर खेल रहे हैं। ये 4 तारीख को इसका इनॉग्रेशन, यानी आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 4, 5, 6 और 7 तारीख को ये टूर्नामेंट का फाइनल होगा। कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले चुके हैं दिव्यांग? इसमें अभी फिलहाल 80 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जीत और हार में कुछ रखा गया है इनके इनाम पे? जी, इनाम का प्राइज है इनका, और ये लगभग 51,000 रुपीज़ का प्राइज है इनका। आज 2 मैच खेले जाएंगे, एक मैच ऑलरेडी हो चुका है जो कि नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन के बीच में हुआ। अच्छा, नॉर्थ जोन ने 32 रन से जीता है, और ये दूसरा मैच जो हो रहा है वो ईस्ट जोन और साउथ जोन में हो रहा है। अच्छा, ये लड़कों का सिर्फ टूर्नामेंट है, लड़कियां नहीं है इसमें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।